सहारनपुर में हैं और सहारनपुर में अस्पताल में आईसीयू में हैं चंद्रशेखर। हमसे एक्सक्लूसिव बात करेंगे। उनकी गोली छू के निकल गई, चोट काफ़ी गहरी है, ब्लड प्रेशर भी हाई है। चंद्रशेखर हमारे साथ हैं और आईसीयू में हैं, ये सहारनपुर जिला अस्पताल में मौजूद हैं। चंद्रशेखर, कल क्या हुआ बताइए हमारे दर्शकों को। उम्मीद नहीं थी कि अचानक से ऐसा हो जाए। मैं निकल के आ रहा था एक कार्यकर्ता के घर से, अचानक से गाड़ी आई और इतना कुछ समझ पाता उन्होंने गोली दाग। पहली गोली सर के पास से कान को छूते हुए निकल गई, सर में उसका निशान भी। दूसरी गोली यहाँ लगी, तीसरी गोली ने दूसरे वाला शीशा तोड़ दिया, फिर चौथी गोली गाड़ी, उन्होंने सामने गाड़ी रोक के वो गालियाँ बक रहे थे, छोड़ेंगे नहीं, नेता बनाएंगे, ये वो, बहुत लड़ रहे हो मीर भोज की लड़ाई, बहुत लड़ रहे हो पहलवानों की लड़ाई। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कौन है। सामने से उन्होंने गाड़ी रोकी, दो फायर हवा में की और फिर एक फायर हमारी गाड़ी पे झोंका। मैं नीचे बैठ के वो गद्दी में आके लगी गाड़ी गोली, नीचे ना बैठता तो दिल से आर पार निकलती। फिर मुझे लगा कि सामना करना अच्छा नहीं, मैंने गाड़ी को यू टर्न करवा ली और मैं पहले गांव सुरक्षित गांव में आया। मैंने वहीं से एसएसपी को फ़ोन करके बताया कि ऐसा हो गया। वहाँ जाके देखा तो फिर पता लगा कि गोली आर पार निकल गई कमर वाले हिस्से से। ये अचानक से इनको पता था कि आप वहाँ पहुँचने वाले हो या घात लगा कर बैठे थे, क्या हुआ? से वो प्लान बना के बैठे थे, हो सकता है उनके साथ और भी लोग हों। और ये किसने कहाँ तक साजिश है उन इसमें शामिल है कुछ पता नहीं। जब इसकी अच्छी तरह से जांच होगी वो गिरफ्तार होंगे तब जाके शायद पता लग पाएगा क्या। लड़के आपने देखे अपनी नज़रों से कौन एक थे? लड़का मैंने देखा जो लंबे से बाल थे, चेक कलर की शर्ट पहने हुए था, वही गाली बक रहा था। उसने ही, क्योंकि गाली तब सुनाई जब शीशा बुलेट लगने शीशा टूट गया, तो फिर उसने ही सामने से फायर किया। तीन लोग थे लगभग, एक गाड़ी चला रहा, दो लोग फायर कर रहे थे। उनको ये भी था कि हम पे हो सकता है असलाह हो, तो उन्होंने अपनी डिग्गी खोली थी अपने सपोर्ट में, अगर हम असलाह चलाएं तो उन तक हमारी गोली ना लगे। तो आपके साथ तो कोई सुरक्षा रहती नहीं है, आपको क्या पुलिस वाले मिले हैं चंद्रशेखर? नहीं, मेरे पास, मैंने दो साल पहले मेरे पास ऐसे इंटेलिजेंस से खबर थी हमारी, तो मैंने बताया था, मैंने मुख्यमंत्री डीजीपी सबको लिखा, गृह मंत्री तक, उसके बाद एक और बार लिखा। सब अधिकारी इस बात को जानते हैं कि मुझे इस तरह खतरा है, लेकिन कभी इस पर कोई बात नहीं हुई। मेरा खुद के लाइसेंस के लिए मैंने अप्लाई किया, वो इन्होंने कैंसिल कर दिया। आपके पास ना गन लाइसेंस है, ना कोई पुलिस वाले कोई सुरक्षा, दिल्ली पुलिस को भी शायद आपने लिखा है अगर मैं बोल रहा हूँ। मैंने लिखा, मैं कोर्ट में भी गया इसको लेके। बेसिक उनको लगता है गरीब का बेटा है, कमज़ोर वर्ग से आता, मर जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। सरकारों के लिए जाति भी एक फैक्टर है, किसको नुकसान होना चाहिए किसको नहीं होना चाहिए। और मेरे जैसे लोग तो रोज़ मरते हैं, आप बताओ, तो उनमें से एक चंद्रशेखर भी है, अगर मर जाएगा तो क्या होगा। चंद्रशेखर, मैं आपको पिछले लगभग सात साल से, छः सात साल से कवर कर रहा हूँ। मैंने आपको आंदोलन में कवर किया है, जेल से निकले तो कवर किया है, धरना देते कवर किया है, पुलिस से लाठी खाते कवर किया है, और अब ये अस्पताल के बेड पर कवर करना, ये थोड़ा सा दुख भी देता है। जिस तरीके से आप बेड पे आईसीयू में हैं और आप जाने जाते हैं लड़ाई के लिए और आपको ये गोली छू करके निकल गई, इस समय आपकी मनस्थिति क्या है, जहन में क्या है? जल्दी से स्वस्थ होकर खड़ा हो जाऊं, एक तारीख को रैली है भरतपुर में, उसमें जाना, काम नहीं छोड़ सकता। देखो मेरे साथ ना हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों के साथ साथ उनके आशीर्वाद चाहता हूँ, करोड़ों माता बहनों की बच्चों की दुआएँ हैं, प्रार्थनाएँ, उन्हीं का परिणाम है कि मैं आज जिंदा हूँ सुरक्षित। वरना तो सच ही है, उन्होंने पूरा प्रयास किया था, इतने करीब से उन्होंने गोली दागी कि कोई चांस नहीं था। मतलब गाड़ी सामने से सटा दी? हाँ, मुझे बराबर से सटा के, जैसे मैं और आप बैठे हैं ऐसे, और फिर सामने से। आप सोचो ना, मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मेरे जिले में मुझे ये दिन देखना पड़े। अरे तो हाईवे की बात है, सहारनपुर देवबंद हाईवे, वहाँ पे हुआ ये हाईवे। दिन दहाड़े लगभग 5 बजे, तो अच्छी खासी रोशनी होती है, गर्मी है, बिल्कुल रोशनी थी। और देखो जैसा ना पिछली 2-3 घटनाएं हुई, चाहे अतीक अशरफ की हुई हो, चाहे संजीव जीवा की हुई, इससे अपराधियों के हौसले बढ़े हैं, उनको लगता कुछ होता। मेरे साथ भी एक घटना हुई थी जब हम ये खदौली उपचुनाव जीते, तो मैं जिस गांव में गया वहां मेरी गांव गाड़ियों पे 5-6 गाड़ियों पर हमला किया, पुलिस ने उसको सत्ता के प्रभाव में बहुत इग्नोर टाइप किया। उसका परिणाम ये हुआ ना, उनके हौसले बढ़े कि भाई कुछ होता तो है नहीं, मार दो क्या है।
तो मैं जिंदा हूँ, मुझे एक नया जन्म मिला है, मैं फिर इसको उसी काम में लगाऊंगा जिस काम के लिए मैंने अपने फादर से वादा किया और जो बाबा साहब अम्बेडकर माने और काशीराम साहब का सपना अधूरा है उसको पूरा करने के लिए मैं इसको लगाऊंगा। लगभग अगर आपको याद हो कितनी गोलियां चलाई उन लोगों ने कुल? चार से पाँच गोलियां हमारी गाड़ी की तरफ और दो गोलियां शायद हवा में, लगभग छः गोलियां चलाई, छः सात गोलियां चलाई। इतना जल्दी जल्दी वो तो पिस्टल तो नहीं देख पाए होंगे कौन सी है, मतलब वो तो मुश्किल है। मैंने जो गोलियां हमारी गाड़ी में मिली मुझे जिंदा, मैंने दी पुलिस को कि भाई इसकी जांच कर लो क्या। मुझे ऐसा लगता है कि 12 बोर 15 बोर इकट्ठा भी था जिससे जो सटाके मारा जिससे कि मरी जाए हाथी। अब तो सहारनपुर आपका गृह ज़िला है, यहाँ आप एक्टिव रहते हैं, सर आम हाईवे पर ये हो गई, कानून व्यवस्था को लेकर सरकार अपनी काफ़ी पीठ थपथपाती है और यहाँ पर ऐसा हो और आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, पॉलिटिकल पार्टी के प्रमुख हैं, सामाजिक संगठन चलाते हैं, चुनाव लड़े हुए हैं, ये कानून व्यवस्था को लेकर के क्या सोच कहेंगे आप? इसी पे एक बोल नहीं पा रहा था तो ट्वीट करके अपनी बात रखी कि उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था राम भरोसे है, किसके भरोसे आप देख लें। तो जब मेरे जैसे व्यक्ति के साथ होता तो सोचो आम कमज़ोर वर्ग व्यक्ति के साथ तो ये रोज़ अन्याय होता, उसको तो कोई पूछेगा भी नहीं, तो इससे अपराध बढ़ गया। हमारे लोग चिंतित हैं, मैं उनसे सबसे शांति की अपील कर रहा हूँ और इस लड़ाई को हम संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे। मैंने आपको लास्ट देखा ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो पहलवान धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आप उनके आंदोलन में काफ़ी सक्रिय रहे, एसएससी वाले लड़के बेरोजगारी प्रदर्शन कर रहे थे आप वहाँ भी गए, आप इन तमाम आंदोलन में बोलते रहते हैं और ये सब आपको लगता नहीं आपको दुश्मन भी लगातार बढ़ते जाते हैं बनते जाते हैं? सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं, मैं सत्य की बात बोलता हूँ, मैं लोगों की समस्याओं को उठाता हूँ। मैंने अभी किसानों की एक लड़ाई जीती जहाँ 33 किसान 20 दिन से बंद किए थे जबरन अंग्रेजों की तरह, कि उनको बेल मिलने के बाद फिर उनको थाने गेट पर से दोबारा जेल भेज दिया, वो जीते हम लोग नोएडा 30 हमने ताल लगाने की बात की। मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया और जो भी लड़ाई लड़ी वो किसानों के कामगारों के मजदूरों के महिलाओं के हित में। इतना दुश्मन हो गया जो आपको जान से मारना चाहता है? ये पुलिस का काम, पुलिस जाँच करके पता है कि कौन ऐसा और क्या वजह है, मेरी कौन सी दुश्मनी है, मेरा व्यक्तिगत किससे कोई झगड़ा नहीं है। मैं तो किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं, मैं अन्याय के खिलाफ लड़ता हूँ, कोई अन्याय करेगा तो वो सोचे बच जाएगा तो ऐसा कैसे हो जाएगा। चंद्रशेखर डर लगा जब गोली चली ताबड़तोड़? नहीं, एक बार को समझ नहीं आया क्या हुआ, लेकिन देखो डर की बात यह है कि मैं हॉस्पिटल ना जाकर उस गाँव में गया जबकि मुझे पता था मुझे गोली लगी हुई, क्योंकि मैं चाहता जो मेरे साथ लोग हैं उनको नुकसान ना हो जाए। मेरी ज़िंदगी, मैंने तो ज़िंदगी समाज के नाम समर्पित कर दी है, महापुरुषों को मिशन के नाम, लेकिन उनका उन कुछ तो छोटे बच्चे जिनकी शादियाँ भी नहीं हुई है, एक हमारे सीनियर भी थे उनको भी वो लगे हैं। कितने लोग गाड़ी में थे आपके साथ? 5 लोग। मुझे डर था इनको कुछ ना हो जाए वरना मैं इनके परिवार को जवाब नहीं दे पाऊँगा। फिर मैंने पुलिस के आने के बाद फिर मैं डॉक्टर के आया, तो डर मतलब कोई डर का तो कोई चीज़, मौत तो एक दिन आनी है लेकिन मैं झुक नहीं सकता। अब आगे कैसे, अब ये तो एक बड़ी घटना है, आगे अब कैसे देखते हैं आप, ठीक होंगे फिर वही तेवर तलख रहेंगे जैसे तेवर आपके रहते हैं? 1 तारीख को पता लग जाएगा, 1 तारीख को भरतपुर में आप अपनी रैली उस रैली में जाएंगे? हाँ जाऊँगा, मैं अपने काम को नहीं छोड़ सकता। अच्छा लगता है कि आप सब साथियों का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे लिए मंगल कामनाएं की, तमाम हमारे साथी विपक्ष के जो पूर्व मुख्यमंत्री या वर्तमान मुख्यमंत्री जिन्होंने भी मेरे लिए मंगल कामनाएं की, मैं उनके लिए सबका धन्यवाद करता हूँ, उनके लिए मंगल कामनाएं करता हूँ। मुझे डर यह आज जो मेरे साथ हो कल किसी और के साथ भी हो सकता है, इस माहौल में सुधार कैसे होगा, जिनके पास सरकारी ताकत है पर पुलिस को डील करने की उन्होंने छूट दे दी है, उसके परिणाम तो आम लोगों को भुगतने पड़ेंगे। बहुत मैंने अपने बहनों की लाश अपने हाथों में उठाई, मैं इनको इसको ख़त्म करना चाहता हूँ। जो लोग चाहते हैं चलता रहे इस तरह की व्यवस्था, उनको मुझसे तकलीफ होगी भाई, क्यों किसी बहन बेटी के साथ रेप हत्या अत्याचार हो, मैं इसके खिलाफ, किसी कमज़ोर को घोड़ी बैठने मुझे रखने में क्यों रोका जाए, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मैं इसके खिलाफ, किसी की मजदूरी मांगने पर उसकी हत्या क्यों की जाए, मैं इसके खिलाफ। मैं चाहता हूँ संवैधानिक अधिकार जो संविधान दी वो सबको मिले और देश में जाति विहीन समाज बन के भाईचारा बने, हम लोग एक मुट्ठी बने, वो नहीं बन पा रहे। ठीक, तो मेरा प्रयास जारी है, मैं रुकने वाला नहीं, ना डरने वाला, मैं अड़िग हूँ। उम्मीद है फिर आपसे जल्द सड़कों पर मुलाकात होगी जैसे हमेशा होती रही है। जल्द जहाँ न्याय होगा आपको वहीं खड़ा मिलूंगा। चंद्रशेखर किस मुस्कुराहट के साथ मैं इंटरव्यू खत्म कर रहा हूँ, काफ़ी तकलीफ में हैं, इनके खून बदरुका हुआ है और फिलहाल ये कह रहे हैं कि हमें लड़ाई जारी रखेंगे और 1 तारीख को भरतपुर में रैली है, छू के निकली है गोली, बच गए हैं, कह रहे हैं कि लोगों की कार्यकर्ताओं का दुआओं का असर है, तेवर अपने वैसे ही रखेंगे और अभी भी जो है मुस्कुरा के उन्होंने कहा है कि आप आगे देखिएगा, हमारी आपकी मुलाकात सड़कों पर होती रहेगी और उम्मीद है कि ऐसे स्वस्थ रहें आप।
बस उनको भी कहना चाहता हूँ, कुदरत उनको सद्बुद्धि दे, मैं गोलियों से नहीं डरता हूँ। वो व्यक्ति को मार के विचार की हत्या नहीं कर सकते हैं, ये लड़ाई जारी रहेगी और ये लड़ाई गैर बराबरी के खिलाफ है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, धार्मिक, सब तरह गैर बराबरी के खिलाफ। गैर बराबरी खत्म हो जाएगी, लड़ाई खत्म हो जाएगी। तो हम बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब के अधूरे सपने को पूरा करने तक मैं जिंदा रहूँगा, मुझे भरोसा। कल इस बात का प्रणाम भी कुदरत ने मुझे दिया, प्रमाण भी। ऐसे हालात में अगर मैं बचाऊँ तो यानी कि मेरे कंधों पर जिम्मेदारी है इस समाज को बराबरी के अधिकार दिलाने की, वंचित वर्ग को, तो मैं उस पर दिला के ही चैन की सांस लूँगा। तो ये कह रहे हैं गोलियों से नहीं डरता, और अपने कार्यकर्ताओं से भी शांति की अपील कि वो शांति बनाए रखें। हमें संविधान के जरिए लड़ना है, गोली की भाषा से नहीं लड़ना, गोली की भाषा से नहीं लड़ना है। तो फिलहाल इसी संदेश के साथ इंटरव्यू खत्म करते हैं। सहारनपुर में अशोक और संजय के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।